भाई कैमरा स्टार्ट हो गया। ओ अच्छा आप लोग एक सेकंड। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम आवर होम। और मैं स्वरूप आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे इस दूसरे ब्लॉग में। तो बहुत दिनों से हम लोग चाह रहे हैं कि एक नया ब्लॉग डालें, बट किसी न किसी वजह से हम शूट नहीं कर पा रहे हैं, वो ब्लॉग करने का डेट डिले होते जा रहा है। तो फाइनली आज हमें टाइम मिला है ब्लॉग शूट करने का। तो आज हम लोग एक ऐसी जगह जाने वाले हैं जो मुझे खुद ही नहीं पता कि कैसी जगह है, वो सिर्फ एक ही इंसान को पता है, वो है ये इंसान। यही हमको लेके जाएगा और यही हमको वहां से वापस भी लेके आएगा। वो लेके आएगा, वो लेके जाएगा, अपन इधर बैठ के क्या हिलाएगा? क्या क्या सोचते हो यार तुम लोग। चलिए निकलते हैं, पर उससे पहले हमारा सिग्नेचर शॉट हो जाए। और अभी हम लोग ने मेन रोड छोड़ के राइट टर्न लिया है, अभी हम ऑफ रोडिंग करेंगे। हमारे मोटो व्लॉगर अमन जायसवाल के साथ मैं स्वरूप सिंह आपको पल पल की खबरें देता रहूंगा। शानदार वादियां और अमन भैया हमारे बहुत ज्यादा जोश में, लगता है आरसीबी के फैन है। रास्ते उतने अच्छे नहीं है बट व्यू बहुत अच्छा है और बादल है इसलिए फॉगी फॉगी है वेदर। कोहरा ही कोहरा चारों तरफ। ओ भाई चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। छोटा सा तालाब, लेक तालाब जो बोलो तुम, यहाँ पे मगर डाइल रहते हैं, मगर डाइल क्रोकोडाइल नहीं मगर डाइल। रास्तों पे एथलीट आप देख सकते हैं, यहाँ पे जगह जगह आपको ऐसे एथलीट मिलते ही रहेंगे। ये पूरा सीन एक फ्रेम में आ नहीं रहा है बट लाइव देखने का मजा ही कुछ और है। जो भी हम लोग देख रहे हैं, हाँ हम लोग फील कर सकते हैं जगह। इतने दिनों से घर में रह रहे के माइंड हैंग हो गया था, आज इतने दिनों बाद अमन भैया की कृपा से बाहर निकल के कुछ ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है भाई? अरे बहुत दिन घरों में रह के माथा बहुत ही खराब था, तो इसलिए इस जगह में आके बहुत ही अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात यह है कि ये जगह दो चीजों के लिए कॉम्बिनेशन है, एक ये जंगल दूसरा सा पहाड़, मतलब फूले ना समाये आदमी ये जगह देख के। और ऊपर से फॉग फॉग हुआ है देख लीजिए, तो और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठंडा ठंडा है मौसम, सुबह सुबह ऐसी राइड पे मजा आ जाता है। तो अभी हम लोग 5-7 किलोमीटर आए हैं, अभी और 5 किलोमीटर बाकी है। चलिए चलिए शॉट लेते हुए निकलते हैं। ऐसी जगह तो मैं डेली आना चाहूंगा, बस रास्ते थोड़े खराब है, बाकी सब बढ़िया है। ये देखिए रास्ते,
रास्तों में गड्ढे नहीं है, गड्ढों में रास्ते हैं यहाँ भैया। जगह मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया, मतलब फाड़ू। हाँ फाड़ू बोले, तेरे वर्ड में फाड़ू, मेरे वर्ड में कतई जहर। अभी तो और भी देखना बाकी है। हाँ चल के जो व्यू है और भी बढ़िया। हाँ बट यहीं से भी बहुत ही शानदार दिख रहा है। अब देख सकते हैं छोटा सा ब्रिज और उसके पीछे पहाड़। नेचर के आगे सब फेल, सब फेल। चल ठीक चलना है, चलिए। हम लोग जंगल के अंदर से जा रहे हैं, पहाड़ हमारे एकदम नजदीक है, आप सब देख सकते हैं। ये वाला नहीं, ये वाला कैमरा में दूर लग रहा है बट है कुछ ज्यादा ही करीब। ओहो शानदार नजारों की कमी नहीं है यहाँ। भाई पहुंच गए क्या? हाँ भाई पहुंच गए। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं उस अननोन प्लेस पर जिसका हमें और आप सभी को बेसब्री से इंतजार था, जिसका नामो निशान पूरा गूगल मैप में नहीं है। है क्या भाई? दिखा दे दिखा दे दिखा दे सभी को। देख लीजिए, गूगल मैप भी नहीं दिखा पा रहा है कि इस जगह का कोई नाम भी है। तो अच्छा चेक कर रहे हैं हमारे मन भैया, शायद कुछ मिल जाए। क्या नाम है भैया? का नाम इतना ढूंढने पर भी नहीं दिखा रहा है, तो लेख दिखा दिया जाए। तो लेक देखना तो हो गया, तो चलिए अभी क्लाइंबिंग की ओर। क्यों भाई? सोचे वो पहाड़ पे चढ़ेंगे, ज्यादा ऊपर तो चढ़ नहीं पाएंगे, फिर कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाने की। चलिए धूप निकलने से पहले उठ जाए। तो हम लोग निकल चुके हैं हमारे अभियान में, पहाड़ चढ़ो अभियान। समझ गया ना? समझ गए भाई, रास्ता इतने खतरनाक, जन्नत की सैर। खतरे से खेलते हुए अमन भैया रास्ता बनाते हुए, चलिए धीरे धीरे उनके पीछे पीछे हम भी चलेंगे। रास्ता है भैया? चलिए ग्रीन सिग्नल मिल गया है हमें। ये चश्मा पहन के बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। आराम से आ भाई, आराम से, जंगलों में खो मत जाना। अभी और भी ऊपर जाना तो दिक्कत हो क्या रही है, बरसात की मौसम है इसलिए कुछ ज्यादा ही पेड़ पौधे निकल चुके हैं, रास्ता जिससे ब्लॉक हो चुका है। कहाँ तक जा सकते हैं देखते हैं। चलिए रास्ता तो है नहीं, बना बना के जाना पड़ रहा है। झोप झाड़ लसन, इस रास्ते से जाने से अच्छा है आप ना जाइए, तो बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, देख रहे हैं पानी ही गिर गया है। हमें ये रास्ता आधे दूर पे ही छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आगे रास्ता ब्लॉक हो चुका है, देख सकते हैं रास्ता है ही नहीं आगे। थोड़ा कुछ बस हम थोड़ा सा ही ऊपर आ सके और ये हालत, देखते हैं अगर हमें कहीं दूसरे और रास्ता मिला तो। चलिए वरना यहाँ से तो जाया नहीं जाएगा, तो चलिए देखते हैं दूसरा कोई रास्ता ढूंढते। हमारे अमन भैया चढ़ चुके हैं, देखिए उधर से रास्ता है, चलिए हम भी थोड़ा चढ़ते हैं। पूरा ऊपर तो नहीं सकेंगे पर इतना तो कर ही सकते हैं। चलिए किधर किधर से रास्ता निकालता है भाई तुम, चलिए
चल 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 मेरे साथी वो छोटा हाथी। किधर साइड से क्या करेगा मेरे भाई? अरे घर से काट लिया। रुक जा, एक हाथ में फोन है एक हाथ में कैमरा। मुझे कैमरा ये लिखना। हाथ दे हाथ दे हाथ दे। अरे गीता वीटा रख दिया है। क्या कर रहा है यार, हाथ दू क्या? अबे चला जा। सो हमने थोड़ी दूर ऊपर उठा है बस, क्या करें। आप देख सकते हैं कितना जंगली हुआ पड़ा है सब, क्योंकि रेनी सीजन है और पेड़ पौधे कुछ ज़्यादा ही है, इसीलिए सारे रास्ते ब्लॉक हो चुके हैं। इतना छोटा जगह उठ के भी मज़ा आ गया। सो वन सेकेंड, सॉरी गाइज, हम ऊपर नहीं जा सके क्योंकि वजह हमने पहले ही बता दिया है। अभी भूख भी लग गई है और बहुत ज़्यादा धूप आ चुकी है, तो देखते हैं बैग में क्या है। चलिए पिटारे से कुछ निकालते हैं। जय हनुमान। क्या भाई, पानी निकाल, पानी पानी ऊपर वाले चैन में है नहीं इसमें। सो गाइस, जैसे भी आप कोई भी अगर टूर कर रहे हैं तो आपके पास एक पानी का बोतल जरूर होना चाहिए, क्योंकि पानी का जरूरत कब किसे पड़ जाए कोई भरोसा नहीं। तो पानी पीते रहिए और हाइड्रेटेड रहिए सब समय। ये एक बहुत ही शानदार ग्रूमिंग टिप भी है। और एक चीज आपको बता दूं, जैसे ही धूप निकल चुका है तो आप एक कैप जरूर रख सकते हैं, क्योंकि ये आपको सन से प्रोटेक्ट भी करेगा और आपके हेयर को भी प्रोटेक्ट करेगा, आपकी स्किन को भी प्रोटेक्ट करेगा। तो एक कैप आप सभी के पास जरूर होना चाहिए। वैसे हमारे पास नहीं है भैया, पहन लेते हैं अभी, क्या दिक्कत है। बहुत ही तेज धूप आ चुकी है, तो तब तक हम कुछ नाश्ता पानी कर लेते हैं, आप लोग टाइम लैप्स का मजा लीजिए। तो 7:10 हो चुके हैं, तो घर जाने का समय हो चुका है, तो चलिए घर की तरफ रवाना होते हैं। दिखा दे, दिखा दे, लास्ट टाइम दिखा दे पब्लिक। मिशन फेल हो गया हमारा, बट नेक्स्ट टाइम हम जरूर आएंगे, क्या बोलते हैं भाई? हाँ जरूर जरूर। चलिए, बरसात के मौसम में नहीं आएंगे। बरसात के मौसम में आप भी मत आइए वरना हमारी तरह फंस जाएंगे। चलिए उतरिए भैया। अरे भैया उतरे कैसे? उतरो यार, क्या कर। उतर गए। अरे हमको गोल्ड मेडल मिला है भैया हिल क्लाइंबिंग में। हाँ, तो मालूम है। सो गाइस, ये थी हमारी आज की ब्लॉग। आई होप आप सभी को ये देखने में मजा आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और कैसा लगा वो कमेंट करके जरूर हमें बताइए। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। Thank you.